देखो जरा, मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? सिमेट्रिक। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल। अभी तो कर सकते, ठीक अगला है, क्वेश्चन यही था। यही था। सेम तो था बी सर। बी भी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश किसके इक्वल होगा? बी के। दैट प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए। हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स आएगी? स्क्यूज मैट्रिक्स। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे क्या बन जाएगा, ये बताओ। माइनस के ऊपर ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज। विष्णु देखो जरा ध्यान से, माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। माइनस इसको क्या लिख सकते हो? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, दिया है ये तो हमें, तो डाल सकते हैं यहाँ पर बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, माइनस ए बी। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। तो आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने खुद के नेगेटिव के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी। ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? चलें आगे, अगले क्वेश्चन में क्या है करो ट्राई एक बार। शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो जरा, बी डैश ए बी, हमें इस मैट्रिक्स को ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है ना ये, बी डैश ए बी को ये बताना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अकॉर्डिंग एज प्रूव करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है, ए मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, ये भी सिमेट्रिक होगी। और अगर, हाँ, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो पहला केस हम मान लेते हैं, लेट ए इज सिमेट्रिक, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज, एक ऐसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके इक्वल होगा? माइनस ए के इक्वल। अगर, सॉरी, ए के इक्वल। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल, राइट। एक बात बताओ, हमें तो ये चेक करना है ये मैट्रिक्स कैसी है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। एक बात बताओ, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्स लॉ से ओपन होता है, नहीं उल्टा होता है। और तीन के केस में विष्णु कैसे होगा बताओ जरा, थ्री मैट्रिक्स के केस में कैसे होगा? सेम, यहां से लास्ट से स्टार्ट करो, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज, लास्ट वाली मैट्रिक्स का, लास्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद वाली का ए डैश, और फिर सबसे लास्ट वाली का बी डैश का ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया देखो जरा, बी डैश ए डैश, और अगर किसी मैट्रिक्स का डबल, रुक जाओ, बी के बारे में तो हमें नहीं पता ना बी कैसी मैट्रिक्स है, तो बी डैश तो बी डैश ही रहेगा। ए डैश का हमें पता है कि ए डैश कैसी है, की वैल्यू क्या है, ए क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए डैश की वैल्यू क्या लिखी जाएगी यहाँ पर? ए। एंड डबल टाइम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, वापिस वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया और ये अपने खुद के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हुई? बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स हुई? करो नोट,
दूसरे वाले ट्राई करो, सेकंड केस में हम क्या ले लेंगे, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरे केस हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल। ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल। अब हमें चेक क्या करना है, बी डैश ए बी को, तो बी डैश ए बी का हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या आएगा, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ए डैश पहले लास्ट वाले का ट्रांसपोज, फिर बीच वाले का, और फिर सबसे पहले वाले का, बी डैश का अगेन ट्रांसपोज, जो क्या बन गया, बी डैश माइनस ए, बी डैश माइनस ए, ए डैश इज माइनस ए, और बी डैश का डबल टाइम करेंगे तो बी क्या बन जाएगा, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी। तो देखो क्या चेंज आया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ गया, बस बाहर माइनस साइन आ गया, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव के बराबर आ गया। तो मैट्रिक्स कैसी हो गई, बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, नोट कर लिया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ हमें, फाइंड एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन है ये, थ्री। ये बताओ क्या दिया हुआ है, बोलो, जीरो टू वाई जेड, जीरो टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, एक्स माइनस वाई जेड, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, जीरो टू वाई जेड, जीरो टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई जेड, ये हमें दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि a इंटू ए डैश, सॉरी a डैश इंटू ए इज इक्वल टू, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हमें गिवन है, और फाइंड करना हमें x y z की वैल्यू, ठीक है। चलो a डैश क्या होगा बच्चों, a डैश बताओ, एज a डैश इंटू ए इज इक्वल टू i, दिस इंप्लाइज, बताओ a डैश की वैल्यू, जीरो टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, दिस इंटू ए, ए कितना है, जीरो टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन जीरो 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 वन जीरो 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल दी गई, ठीक है। करो लेफ्ट वाली दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया बताओ, जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जीरो एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो एक्स माइनस माइनस जेड एक्स या एक्स जेड
और प्लस जेड एक्स, ठीक है। आगे अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? जीरो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो फोर वाई स्क्वायर, फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस टू वाई फोर वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे करेंगे तो टू वाई जेड सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टू वाई जेड माइनस माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट आप थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। नेक्स्ट टू वाई जेड टू वाई जेड टू वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस नहीं एक्स वाई क्यों इससे करेंगे ना बेटा सेकंड से माइनस वाई जेड और यहां भी माइनस वाई जेड। अब थर्ड कॉलम से करो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 0 0 0 1 0 0 1, समझ आया? ठीक है आकाश, हो गया। ये क्या बन गया बताओ जरा? 2x square। ये वाला ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो अगला भी जीरो, फिर ये जीरो जीरो ना सिक्स वाई स्क्वायर सिक्स वाई स्क्वायर ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो 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 और ये थ्री जेड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1, क्लियर है? क्या करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे, तो 2x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1। x स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है आकाश। फिर 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। निकाल दो, थर्ड वाला भी निकाल दो, निकल गया। लिखो 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। और इस मैट्रिक्स का टेस्ट कब दे दोगे भाई? ये तो सभी ने अटेंड किया है ना कब दे दोगे इसका टेस्ट? आज कितने पूरी हो जाएगी? या तो पूरी नहीं होगी ना, एक क्लास में और पूरी हो जाएगी। आज है फ्राइडे, संडे को हम पूरी कर देंगे। संडे क्लास है? हाँ संडे क्लास है, अब एक घंटे पढ़ रहे हैं हमें, डेढ़ घंटे क्लास होती है, डेढ़ घंटा बचा हो वो संडे को पढ़ो। संडे कितने बजे? सैटरडे पढ़ लो या संडे पढ़ लो। ठीक है जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, ठीक है। चलो आ गए यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो करो फोर्थ वाला क्वेश्चन, लिखो क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में? तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें दिया हुआ है। पहली मैट्रिक्स क्या है? एक रॉ मैट्रिक्स दी हुई है 1
टू वन। सेकंड एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वन टू जीरो, वन टू जीरो, टू जीरो वन, टू जीरो वन, वन जीरो टू, दिस। और थर्ड एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें, जीरो 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 टू एक्स, जीरो टू इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अभी एक काम करो, अभी मत लिखो, अभी इसको क्या रहने दो, जीरो ही रहने दो। चलो इसको ओ बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, करो मल्टीप्लाई। पहले आकाश किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लास्ट वाली दो को करेंगे या फर्स्ट वाली दो को करेंगे? सर बीच वाली और सॉरी फर्स्ट और लास्ट वाली को कर देता दीजिए ना, किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, मान लो ए बी सी तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, तो चाहे आप पहले दो को मल्टीप्लाई करो या फिर पहले लास्ट वाली दो को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको ईजी लगे वो कर सकते हो, ठीक है। लास्ट फर्स्ट और लास्ट नहीं, फर्स्ट और लास्ट को नहीं कर सकते, फर्स्ट को लास्ट को नहीं कर सकते, या तो फर्स्ट सेकंड को कर सकते हो या सेकंड थर्ड को कर सकते हो, हाँ बराबर पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड ही कर लो। विष्णु करो, पहले इसको हम इससे करेंगे, बताओ वन प्लस फोर प्लस वन, लिखो साथ साथ, ठीक है करो। आप सेकंड वाले से करो, टू प्लस जीरो प्लस जीरो, फिर थर्ड वाले से करो, जीरो फोर जीरो सॉरी जीरो टू जीरो प्लस टू प्लस टू, फिर बस हो गए, तो इतना ही आएगा इसमें, तो इनटू में क्या है, जीरो टू एक्स, दिस इज जीरो, क्या है यहाँ से सिक्स प्लस, नहीं प्लस नहीं, प्लस नहीं आएगा, सिक्स टू फोर, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जीरो टू एक्स से, और इक्वल टू क्या दिया है, नल मैट्रिक्स, अब इसको इससे करेंगे क्या आएगा, जीरो प्लस फोर प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कितना आया अभी, फोर प्लस फोर एक्स, ये तो एक सिंगल एलिमेंट की मैट्रिक्स है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है, सिंगल वन बाय वन ऑर्डर की है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, फोर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, ठीक है, ऐसे करेंगे। विष्णु ओके लिखिए पूरा, हाँ जी पूरा लिखा कर लास्ट तक। नेक्स्ट ये सब हमने पहले भी किया हुआ है, करो एक बार ट्राई, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, थ्री वन माइनस वन टू, थ्री वन माइनस वन टू, ये दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या शो करना है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है। पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, थ्री वन माइनस माइनस वन एंड टू इंटू थ्री वन माइनस वन एंड टू, करो मल्टीप्लाई,
8 3 -5 और 3 क्या रहा बताओ भाई? 8 3 -5 आकाश आपका क्या है? 8 3 -5 और 3 8 3 किस तरफ? यहाँ पर -5 और 3 -5 है। चेक करो सभी, ये आ रहा है ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में इसको जीरो प्रूव करना है तो इस इक्वेशन में डालो ए स्क्वायर -5a + 7i। 8 5 यहाँ पर 5 आ रहा है। यस सर। -5 3 ठीक है। देखो जरा ए स्क्वायर 8 5 -5 3 -5 × a ए कितना है? 3 1 -1 + 7i 7 × 1 0 0 1 क्या आ गया बच्चों? ये 8 5 -5 3 माइनस 15 5 -5 -5 10 +7 0 0 7 0 Yes, sir, क्या बन जाएगा? 8 -15 + 7 इसको ये वाला माइनस करना है 15 और 7 क्या करना है प्लस, क्योंकि बीच में माइनस है ना। फिर 5 -5 + 0 फिर -5 -5 और माइनस में देखो माइनस और माइनस 5 करोगे तो प्लस 5 हो जाएगा और लास्ट में क्या है? 0। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? 3 फिर आएगा -10 और +7 कितना आया? सब 0 है, सारे 0 हो जाएंगे। 0 0 0 0 यही हमें प्रूव करना था। क्या आ गया यहाँ से? दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू व्हाट? 0 0 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहते हैं मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस एक्स वाई जेड। 6th है सर अभी। 6th है। फाइंड एक्स, 6th को ट्राई करोगे भी 4th की तरह से ही करना है। करो एक बार ट्राई करो, अभी कर लो। ये पता है एक्स माइनस फाइव माइनस वन। हाँ कर लो, अभी कर लो। 6th को किसकी तरह करना है? 4 की तरह से करना है। एक्स माइनस फाइव माइनस वन ठीक है। देन 102 1 0 2 0 2 1 0 2 1 0 2 1 2 0 3 2 0 3 और ये यहाँ पर क्या है? x 4 1 x 4 1 दिस इज इक्वल टू 0। बताओ जरा, करो ट्राई। इसमें सेड भी एक्स है और सेड भी एक्स है। दोनों तरफ एक्स।
आवाज नहीं भी। विष्णु क्या आया? आया आया भी ये वाला क्या रहा था? सॉरी मैट्रिक्स विष्णु क्या आई है? सेम आई है अलग? करो मल्टीप्लाई x माइनस टू को इससे करो x से, तो x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का 40 प्लस टू एक्स माइनस 8 ये आएगा। दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये 1/1 की मैट्रिक्स आ गई इसको भी जीरो मैट्रिक्स लिख दो, तो क्या बन गया ये देखो x स्क्वायर ये तो कट हो गया माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों साइड की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कंपेयर करो ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 48 प्लस माइनस रूट 48 और रूट 48 कितना होता है भाई प्लस माइनस ये क्या होगा 16 × 3 तो बाहर क्या आ जाएगा 4√ ये एक्स की वैल्यू है ठीक है। अगर उसको प्लस माइनस रूट 48 भी छोड़ दे, अगर मान लो एमसीक्यू आ गया तो आपको वो आंसर निकालना पड़ेगा है ना, नहीं तो मैच कैसे करोगे? अगला क्वेश्चन भी 7th क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये कहता है मैन्युफैक्चरर सेल्स इन टू मार्केट, मार्केट 1 और 2 एनुअल सेल्स इंडिकेटेड बिलो, देखो जरा इनसे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं दोनों मार्केट में जो उन्होंने मार्केट 1 और 2 में जो प्रोडक्ट सेल किए हैं, मार्केट 1 के प्रोडक्ट और मार्केट 2 के प्रोडक्ट, उनकी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या क्या हैं? 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 एक ही मैट्रिक्स बना, हाँ और कितना 8,000, इससे तो एक ये मैट्रिक्स बन गई। फर्स्ट रो में मार्केट 1 के प्रोडक्ट है और सेकंड रो में मार्केट 2 के प्रोडक्ट है ठीक है। अब ये कहता है कि यूनिट सेल ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस, सेल प्राइस गिवन है, क्या गिवन है? सेल प्राइस गिवन है, कितने इनसे कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे ठीक है। प्रोडक्ट X का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 2.5 ठीक है, 2.5 1.50 एंड 1.00 हेलो हाँ साहिरा आए नहीं आज ओके एक बार रात को फोन कर लेना। ठीक है भाई, तो देखो अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं है ना, तो क्या होगा ये
मार्केट वन के प्राइस है, मार्केट वन के आइटम है, और इसका ये 10,000 मल्टीप्लाई होना चाहिए 2.5 वाले से, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस है। सेकंड वाला होना मल्टीप्लाई होना चाहिए इससे 1.5 से, क्योंकि वो उसका प्राइस है, और थर्ड वाला इससे होना चाहिए। और वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब सही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये मैट्रिक्स हमारी सही बनी है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले केस में भी सेम, राइट, क्योंकि ये एक्स आइटम है, ये वाई है, और ये जेड है, और ये एक्स का सेलिंग प्राइस था, सेलिंग था या कॉस्ट था, सेलिंग, ये वाई का सेलिंग है और ये जेड का सेलिंग है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली सही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करो मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा भाई, 11,000 कितना आया, 25,000 चार जीरो उसकी आएंगी, एक इसकी पांच जीरो आएंगी, 25 के आगे पांच जीरो आएंगी, दो डेसिमल से कट जाएंगी, 25 के आगे फिर कितनी जीरो बचेंगी, तीन जीरो बचेंगे। ठीक है, तो 25,000 हो गया, प्लस प्लस क्या करना है, 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 से, कितना आया, 3,000 नहीं 3,000 नेक्स्ट 18,000 नेक्स्ट इज 15,000 आ रहा है, प्लस 30,000 8,000 नीचे 20,000 इंटू डेढ़ 30,000 ही हो गया, मैंने हॉरिजॉन्टल ही बनाया था, दिखता रहेगा, एक मिनट, 20,000 और ये कितना था, 30,000 प्लस 8,000 ऐसे ही बनाया था, मैंने साइड में लिखा है, दिस इज, किसको साइड में, मतलब ये जोड़ो इनको कितना आता है, 46,000 दो कॉलम्स बनाई है मैंने, रो एक ही है, ये ऐसे कराना, 46 ऊपर है, 53 नीचे है ना, 53 ऐसे चलता है, आंसर तो सही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऐसे हो गई, ये लिखा जाएगा, इसका भी इसके नीचे लिखा जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से तो गलत हो गया, इससे ठीक है, कितना आया अभी यहाँ से बताओ जरा, 46,000 फिर बोलो बोलो आगे बोलो, और नीचे 53 ऊपर एक और आएगा, 53,000 तो ये क्या होंगे, मार्केट वन का सेलिंग प्राइस ये होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मार्केट वन, और ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मार्केट, ठीक है, इसी तरह से कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो आप, टोटल सेलिंग प्राइस बोथ मार्केट पूछता है तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो, ठीक है, और प्रॉफिट पूछता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ऐसे ही होगा, वो करना है। नाइन्थ वाला सम ट्राई करो एक बार, एट्थ वाला बात बता, नाइन्थ वाले में कहता है ए इज इक्वल टू व्हाट, ए मैट्रिक्स गिवन है अल्फा बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा है, माइनस ये कहता है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वेयर क्या दिया हुआ है भाई, आई के इक्वल दिया हुआ है, क्या होगा ए स्क्वेयर, ए इंटू ए, क्या ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा,
दिस इज इक्वल टू आई इज व्हाट 1001 करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहां से बताओ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा माइनस बीटा गामा फिर, और यहां पर क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ठीक है, गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा या माइनस, माइनस तो नहीं है ना यहाँ पर, तो वो अलग ही गलत हो गया, फिर तो ये प्लस हो जाएगा, वही तो कहने प्लस हो गया है ना, आवाज नहीं, ठीक है। अच्छा तो क्या बन जाएगा माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस गामा अल्फा और यहां से क्या बनेगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1001। क्या है यहां से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये बनेगा जीरो, ये जीरो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू व्हाट 1001 राइट। तो यहां से क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है ये आ गया, ठीक है यही प्रूव करना था हमें। चलो टेस्ट की अपनी तैयारी करोगे साथ साथ, ठीक है। ठीक है।